जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपकी कंडक्टर और ड्राइवर की नई भर्ती को लेकर नया नोटिफिकेशन और जारी हो चुका है। चंडीगढ़ में ड्राइवर और कंडक्टर की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज रखी गई है, कितनी आपको सैलरी दी जाएगी, कितनी वैकेंसी दी गई है, तो सभी डिटेल वाइज बात करेंगे। चंडीगढ़ में आपके कंडक्टर और ड्राइवर की भर्ती को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल वाइज बात करेंगे। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। ये चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, आप खुद भी जाके इस पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में, तो हम कंप्लीट जानकारी से बात करेंगे। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपडेट दी जाती है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। देखिए, यहाँ पर ड्राफ्ट रूल रिक्रूटमेंट के जो 2024 में आपकी वैकेंसी आने वाली है उसके ड्राफ्ट के जो रिक्रूटमेंट रूल हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, खुद ही इस वेबसाइट पर आकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर आकर आप खुद भी इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर लिया PDF, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वो PDF है जो वहाँ पर दी गई है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट रूल हैं, आपकी शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, कितनी वैकेंसी है, कितनी आपको सैलरी दी जाएगी, एज क्या रखी जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या है, कंप्लीट डिटेल वाइज बात करेंगे। ड्राइवर और कंडक्टर की आपकी वैकेंसी दी गई है, अच्छी वैकेंसी आपकी बार आने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बात कर लेते हैं बस कंडक्टर की। जो वैकेंसी आपकी बस कंडक्टर की, जो इन्होंने वैकेंसी बताई है, 834 वैकेंसी 2024 में आपकी वैकेंसी बताई गई है। 2024 में जो आपकी वैकेंसी है, ये 834 वैकेंसी हैं। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। सैलरी आपको जो है इसमें लेवल 4 की मिलेगी, 2400 ग्रेड पे की आपकी सैलरी रहेगी इसमें। एज जो आपकी 25 से 35 साल, इसमें UR कैटेगरी की एज है वो रखी गई है। UR कैटेगरी की जो एज है 25 से 35 साल है। SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल, इसमें एक्स्ट्रा छूट भी दी जाएगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें, तो क्वालिफिकेशन में आपने 10th क्लास पास कर रखी हो, प्लस में आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, HTM HTV हैवी मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है 5 साल जो आपका जो कंडक्टर लाइसेंस हो पुराना होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए, इसकी डिटेल नीचे दी गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, 100% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 834 वैकेंसी आपकी आने वाली है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। कंडक्टर के बारे में भी बात करेंगे आगे। देखिए, यहाँ पर इन्होंने अच्छे से और बताया, बस ड्राइवर की आपकी पोस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी होगी, 834 वैकेंसी है। लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी, ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट आपकी, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए इन्होंने डिटेल भी बताई है दोबारा से। देखिए, यहाँ पर जो एज आपकी UR कैटेगरी की, वो एज आपकी 25 से 35 साल होगी UR कैटेगरी की। उसके बाद देखिए, यहाँ पर उन्होंने 10th क्लास प्लस में HTV हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए, और यहाँ पर इन्होंने डिजायरेबल में लिखा है कि 5 साल पुराना आपका जो 5 साल जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं होगा। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल का ये मतलब होता है सीजनल क्वालिफिकेशन है वो ज़रूरी होती है, डिजायरेबल में आपकी जो है वो मैंडेटरी नहीं होती है। तो 834 वैकेंसी आपकी ड्राइवर की आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कंडक्टर की, कितनी वैकेंसी आने वाली है। इसी PDF में दी गई है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये PDF में 156 नंबर पर दिया गया है, तो आप PDF में खुद भी जाके चेक कर सकते हो, पेज नंबर 156 पर ही। यहाँ पर देखिए, बस कंडक्टर की आपकी वैकेंसी 2024 की वैकेंसी 837 प्लस 47 वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। ग्रुप सी की वैकेंसी लेवल 2 की आपको सैलरी मिलेगी, 18 से 25 साल UR कैटेगरी की इसमें एज रखी गई है। अब की बार 18 से 25 साल UR कैटेगरी की एज होगी, SC ST 5 साल और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। 2024 में ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपने 12th क्लास पास कर रखी हो, प्लस में आपके पास जो है कंडक्टरी का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने अभी इसके लिए जो है 1-2 दिन पहले ही कंडक्टरी लाइसेंस के लिए वीडियो बनाई है कि कंडक्टरी लाइसेंस आप कैसे बनवा सकते हैं, मैंने खुद भी बनवाया है,
तो आप वीडियो जाके जरूर चेक कर लेना कि कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनता है और कितने दिन में आपका कंडक्टर लाइसेंस बन जाएगा। तो आप वो वीडियो जाके जरूर चेक कर लेना, आपको जो है जैसे चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी वो वीडियो। उसके बाद ये वैकेंसी आपकी जो है डायरेक्ट होगी, 100% डायरेक्ट ये वैकेंसी आपकी रखी गई है। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी जो आपकी टोटल 837 वैकेंसी है, बस कंडक्टर की वैकेंसी है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट में आपकी वैकेंसी है। उसके बाद आगे बात करें तो ये आपकी जो है कंप्लीट डिटेल उन्होंने बताई है, मतलब कि 18 से 25 साल एज आपकी रखी गई है यूअर कैटेगरी की, और 12th आप पास होने चाहिए प्लस में कंडक्टरी का लाइसेंस होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी कब आएगी। देखिए 2023 में जो आपकी वैकेंसी आई थी 2023 में ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती फाइनल हो चुकी है। जो ड्राइवर की भर्ती है उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया अभी, जैसे उसका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद आपकी वैकेंसी निकाल दी जाएगी। ये नए रिक्रूटमेंट रूल हैं वो वेबसाइट पर अपडेट कर दिए गए हैं, तो अब आपकी जल्द वैकेंसी आने वाली है। 837 वैकेंसी कंडक्टर की होंगी, 834 वैकेंसी और ड्राइवर की होंगी। देखते ये हैं कि टोटल वैकेंसी साथ में निकालते हैं या थोड़ी थोड़ी करके निकालेंगे, उसका अभी नहीं कंफर्म, लेकिन आपकी वैकेंसी कंडक्टर और ड्राइवर की दोनों की आने वाली है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट में चंडीगढ़ ड्राइवर और कंडक्टर की दोनों वैकेंसी आने वाली है। तो ये आपके लिए अपडेट थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।